हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए। तो ये साइंस के, साइंस में फिजिक्स के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बताया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी। आप लोगों को पता है कि वक्रता त्रिज्या दे देते हैं और फोकस दूरी पूछते हैं। ये अभी तक कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, सेंटीमीटर में जो है ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको आर बराबर, आर मान लेते हैं, त्रिज्या इसलिए रेडियस होगी आर बराबर, और आर बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, और फोकस दूरी का सूत्र आप लोगों को पता है, जो फोकस दूरी होती है वो f बराबर होती है r by 2। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है कि f बराबर r by 2 होता है। यदि यहाँ से हमें फोकस दूरी f निकालना है, r का मान 20 है, तो 20 r का मान रखेंगे बटे में 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एक कम 2 और 0, यानी 10 देना 20 होता है। तो यहाँ से f बराबर आपका आंसर आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन देखो 5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, अगला तीसरा है 15 सेंटीमीटर, और अगला है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, तो हमारा एक मान जो आया है 20 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी पहले का डी पार्ट। तो समझ में आ गया। यहाँ से फोकस दूरी, जब भी आपको त्रिज्या दी जाएगी और फोकस दूरी पूछेगा, तो आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है कि f बराबर r by 2 होता है, और यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से, r का मान जो भी होगा, और यहाँ से हमें f का मान मिल जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, यदि r बराबर, यदि R प्रतिरोधों के दो प्रतिरोध, देखो R प्रतिरोध है, उनके दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो इनका परिणामी प्रतिरोध, यानी इनको जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध बनेगा। तो यदि इनका हम परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे, तो इनका जो परिणामी प्रतिरोध होता है, और ये क्वेश्चन भी अभी तक कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पर जब भी परिणामी प्रतिरोध पूछेगा, और यह कहेगा कि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, फर्स्ट में समांतर क्रम, और उसके बाद जो आर है उसको श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। यदि इनको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, और इसका पूछेगा परिणामी प्रतिरोध, तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो होता है 3R/2। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसका सी पार्ट 3R/2 दिया गया है, इसलिए इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो ओम पूछ रहा है कि क्वेश्चन, एक माइक्रो ओम का मान होता है, तो यहां पर जो एक माइक्रो ओम होता है, माइक्रो ओम, जब भी माइक्रो की बात होती है, माइक्रो यानी 10^-6, और यहां पर ओम है यानी प्रतिरोध आर का मात्रक ओम होता है, यहाँ पर एक माइक्रो ओम पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10^-6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये तो माइक्रो ओम का मान हो गया 10^-6, और इसकी यूनिट क्या है, ओम है, तो ये हो जाएगा 10^-6 ओम। तो इसका फर्स्ट में देखो 10^-9 ओम है, और दूसरा है -10^-6, अगला है 10^-3 और 1। तो यहाँ पर जो 1 माइक्रो ओम है, ये माइक्रो ओम क्या होता है, 10^-6 के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो जब भी फोकस दूरी में परिवर्तन करने के लिए बोलेगा, तो यहां पर देखो ऑप्शन में तो पहला तो दिया गया पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभिमुख पेशियों द्वारा, और परितारिका द्वारा। तो यदि बात करें फोकस दूरी परिवर्तन की, तो फोकस दूरी परिवर्तन जो होता है वो पश्चिमाभि पेशियों द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, जब भी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका पश्चिमाभि पेशियों द्वारा हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन, है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर बताना है कि प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहां पर बनता है, तो चाहे उत्तल दर्पण में देखे, चाहे अवतल दर्पण में देखे। तो जब भी आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा कि जब यहाँ पर कोई लेंस रखा जाता है, और यहाँ पर
इस तरह से। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आके यहां पर इस पटल पर बनता है, और यहां पर क्या होता है इसका पॉइंट, ये रेटिना होती है। तो यदि पूछा जाए कि मानव नेत्र में क्या है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ये आप लोग याद रख रहे ना, ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है। इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोई भी दर्पण, यानी कोई भी दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो दर्पण है और वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, हमेशा यानी सीधा बनाएगा। तो हमेशा सीधा कौन बनाता है, उत्तल, उत्तल दर्पण। ये दर्पण की बात करेगा तो वो उत्तल दर्पण होगा जो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वायु शक्ति का मात्रक। तो वायु शक्ति का मात्रक यहां पर बताना है। तो वायु शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, शक्ति। आप लोगों को पता है शक्ति क्या होती है, पावर, और पावर मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट। ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे, अब बढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। इसका ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ रहा है संकर लवण है। तो जो संकर लवण होता है वो क्या होता है, पहला क्वेश्चन है Na2SO4 into Fe2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O। अगला है Na2HPO4 और तीसरा है Na3FeCl का होल 6। अगला है NaNH4 और HPO4। तो यहां पर जब भी संकर लवण की बात करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्या है, Na3FeCl का होल 6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं, 6 सहसंयोजक आबंध है, या 7 सहसंयोजक आबंध है, या 8 सहसंयोजक आबंध है, या 9 सहसंयोजक आबंध है। तो यहाँ पर सहसंयोजक आबंधों की संख्या बताना है आपको, सहसंयोजक आबंधों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर ये सूत्र जो दिया गया C2H6, यहाँ पर देखे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसकी संरचना बना लेते हैं, 2 कार्बन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड देखो इस कार्बन के खाली है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, एक इसको। अभी भी इनके 3 हाइड्रोजन है, अभी भी इसके 3 हाइड्रोजन क्या है, बाकी है। तो ये 3 हाइड्रोजन इन 3 बॉन्ड के साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पर यदि हम काउंट करें कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी ये जो नंबर बॉन्ड के हैं यही क्या होते हैं, आपके सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन क्या है, 7 सहसंयोजक आबंध, यानी एथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2H6, ये 7 सहसंयोजक आबंध को बनाता है। यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन चतुः कार्बन यौगिक जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर ये जो ब्यूटेनॉन है इसका प्रक्रियात्मक समूह, यानी ये जो ब्यूटेनॉन है ये किससे बना है, तो पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक होता है, आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह होता है ये होता है बॉन्ड COH, कीटोन का क्या होता है C, डबल बॉन्ड OC और डबल बॉन्ड O होता है। अगला क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, बॉन्ड CHO होता है। एल्कोहल का क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेनॉन यानी कितने कार्बन, ब्यूटेन में तो मिथ एथ प्रोप और ब्यूट, यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन बना लेते हैं, CH3 CH2, और यहां पर CH2 और CH3, ये 1, 2, 3 और 4, तो क्या मेथ एथ प्रोप और ब्यूट हो गया। और यहां पर पूछा है कि जो ब्यूटेनॉन है ये किससे मिलकर बना, तो यहां पर 4 कार्बन से ब्यूटेनॉन बनता है, तो यहां से ब्यूटेनॉन बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और
CH3। यदि यहाँ पर देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, CO ग्रुप लगा है। तो CO ग्रुप किसका होता है, कीटोन का होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो ब्यूटेनॉन किससे बना है, यानी ये किसका क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह क्या होगा, तो कीटोन हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है एसीटोन का आईयूपीएसी नाम। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम बताना है यहां पर कि क्या होगा। तो ये भी देखो एसीटोन है, यानी ओन, ये क्या होगा एसीटोन, CH3 बॉन्ड CO डबल और क्या होता है CH3, ये एसीटोन का होता है सूत्र। यहां पर देखें तो पूछ रहा है आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका। तो आईयूपीएसी नाम कितने कार्बन है देख लेते हैं, 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोपेनॉन बनता है। तो मेथ एथ प्रोप होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है, तो आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, देखो एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना, वो विहाइड्रोजनीकरण होगा। तो यहां पर प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, ये होता है RCOH, ये आपका हो जाएगा RHOH, RCH2OH, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है। और यहां पर उपस्थिति किसकी होती है, K2Cr2O7 की, इसकी प्रेजेंटी दिखाते हैं। और यहां पर होगा क्या, ऑक्सीकरण होता है इस अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण इसका करवाते हैं तो क्या बनता है आपका, यहां से ये हो जाएगा RCHO, RCHO बनता है। और प्लस का यहाँ पर जो H2 होता है विहाइड्रोजनीकरण में, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यदि यहाँ पर देखें जब भी प्राथमिक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो विहाइड्रोजनीकरण में आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर पहला अम्ल था, दूसरा एस्टर था, अगला एल्डिहाइड और एमीन है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड सी पार्ट क्या होगा आपका, सही होगा। यहां पर ये एल्डिहाइड बन रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय एच हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहां पर एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु बताना है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र यहां से लिख लेते हैं, ये होता है CH3COOH। तो यहां पर अम्ल में यानी एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन, तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु यानी हमें इतने में देखना है। तो इतने में देखो कितने हाइड्रोजन है, एक है। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन में क्या एक है, तो पहले देखो एक दिया गया, दूसरा दो है, तीसरा 3 है और 4 है। तो यहां पर देखे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी अम्लीय है हाइड्रोजन में, तो अम्लीय हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 13 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और चैनल से जुड़कर रखिए। आप लोगों को जल्द ही बायो की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।